अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का वीडियो का जो अनवान है कि हम एक अच्छा सा थंबनेल कैसे बना सकते हैं। और अगर आप में से किसी को पता नहीं कि थंबनेल किस चीज़ को बोलते हैं, तो थंबनेल यूट्यूब के जो वीडियो होता है उसमें जो एक कवर फोटो लगता है उसको थंबनेल बोलते हैं। तो थंबनेल वीडियो को वायरल या वीडियो में ज़्यादा व्यूज लाने के लिए थंबनेल का भी बहुत ज़्यादा किरदार होता है। जिस तरह के लोग कोई चीज़ को सर्च करते हैं तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आते हैं, तो उसमें मैं अपने ही बात करता हूँ, जब कोई वीडियो सर्च करता हूँ तो मैं अक्सर उस चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ जिसका थंबनेल मुझे अच्छा लग रहा हो, यानी कि मैं अट्रैक्टिव हो। मेरे ख्याल में आप लोग भी यही करते होंगे। तो हम एक अट्रैक्टिव और एक अच्छा सा थंबनेल किस तरह बना सकते हैं, तो ये हमारे वीडियोज़ में व्यूज लाने के लिए बहुत ही अच्छा किरदार अदा करता है। तो थंबनेल कैसे बनाते हैं, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ दो तीन ट्रिक्स शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को किस तरह के थंबनेल बनाना चाहिए, तो थंबनेल सिंपल सा हो और उसमें जो वर्डिंग है वो मुख्तसर सा हो और बड़े बड़े अल्फाज में हो ताकि वो लोगों को दिखाई दे, क्योंकि अक्सर आजकल लोग सब मोबाइल से देखते हैं तो मोबाइल के स्क्रीन में अब थंबनेल में ज़्यादा चीज़ें लिखते हो तो वो बिल्कुल छोटा होता है तो वो इतना नज़र नहीं आता है। तो उस वजह से वर्डिंग कम हो और सिंपल सा हो। अगर इसमें आप फोटो वोटो दिखा रहे हो थंबनेल में तो वो बड़े होने चाहिए ताकि वो लोगों को आसानी से नज़र आ सके। और एक अच्छे थंबनेल की वजह से आपके CTR में भी इजाफा होता है, तो आपके CTR जब हाई होगा तो लोग आपके वीडियो को ज़्यादा देखेंगे और वीडियो वायरल होने के ज़्यादा चांसेस है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं कि हम एक अच्छा सा थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा प्ले स्टोर। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाके पिक्सेल लैब लिखेंगे तो ये वाला आएगा, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद हम इसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद मैं ये ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। तो इसके बाद हमें जाना होगा, ये दो थ्री डॉट्स का निशान है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है इमेज साइज। तो इमेज साइज में जाके हम इसको करेंगे यूट्यूब थंबनेल। तो यूट्यूब थंबनेल का ये 1280 और 720 ये साइज़ को ओके कर दिया। तो इसके बाद हम लोग एक थंबनेल बनाएंगे, यानी कि मेरा एक जो वीडियो है हाउ टू गेट 300 फ्री मिनट फ्रॉम स्काइप। तो इसके लिए हम पहले ऐड करेंगे फॉन्ट, ऐड करेंगे तो हम इसमें लिखेंगे 300 स्काइप फ्री मिनट्स, स्काइप फ्री मिनट्स। तो इसके बाद हम फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, तो आप लोग कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो जो आप लोगों को पसंद आ रहा हो। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ फॉन्ट में जाके, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। तो उसके बाद इसको मैं करता हूँ इसका साइज़ को बढ़ाता हूँ, साइज़ को बढ़ा के ओके कर दिया। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, उसको रेड बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ। तो आप लोग बैकग्राउंड में इसका फ़ोटो भी लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कलर लगा रहा हूँ तो हम यहाँ पे जाके इसमें कलर ऐड करेंगे। कलर में गया तो मैं रेड कलर करना चाह रहा हूँ। इसके बाद हम जाएंगे दोबारा फॉन्ट में, फॉन्ट में जाके इसका कलर चलो रेड किया हुआ है तो उसको कलर को थोड़ा, उसके जो फॉन्ट है उसको थोड़ा मेकअप करते हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे स्ट्रोक में जाके यहाँ पे आप इसको कलर दे सकते हो, बहुत किस्म के कलर है इधर, कौन सा वाला आपको पसंद आ रहा हो। तो मैं इसमें देना चाह रहा हूँ उसको ब्लैक। ब्लैक करने के बाद अभी यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ एक पिक्चर, तो पिक्चर मैं ऐड करता हूँ गैलरी से। पिक्चर ऐड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे प्लस का जो साइन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक फोटो ऐड कर दिया, ये वाला फोटो। तो ये फोटो को मैं करता हूँ थोड़ा बड़ा ताकि नज़र आ जाए। तो अपने इस पिक्चर को मैं ले जाता हूँ सेंड टू बैक, तो इसके नीचे आएगा। तो पिक्चर को अगर बड़ा करना चाहूँ तो इसके बाद पिक्चर को भी थोड़ा आउटलाइन देते हैं। तो पिक्चर को मैं करना चाह रहा हूँ ये कलर का, तो इसको थोड़ा, तो आप लोग अपने मर्ज़ी से जो जिस तरह इसको मेकअप करना चाहो कर सकते हो। तो ये थोड़ा हाईलाइट हो रहा है तो मैं इस कलर को करता हूँ। और इसके बाद लिखाई को आप लोग और भी इसको मज़ीद, इसमें बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसको हम देते हैं शेडो, शेडो में जाने के बाद हम इसको देंगे ये कलर का, थोड़ा इसको शेडो देंगे, आउट ग्लो को भी थोड़ा। तो ये हमारा थंबनेल तैयार हो गया। तो यहाँ पे जाके आप लोग इसको सेव कर सकते हो, सेफ एस इमेज। तो ये आप लोग देख सकते हो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान थंबनेल, और उसको बनाने में 2-3 मिनट लगते हैं। तो ये अपने फ़ोन से बहुत आसानी से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया वीडियो में तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।